नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबा, साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मुंबई व दिल्ली के बाद भाजपा विरोधी इंडिया के घटक दलों का बड़ा जुटान 21 अप्रैल को रांची के प्रभातारा मैदान में होगा। राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा इसकी मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से, न्यूज के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मुंबई व दिल्ली के बाद भाजपा विरोधी इंडिया के घटक दलों का बड़ा जुटान 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा में होगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सरकारी आवास में झामुमो विधायक दल की बैठक में इसकी घोषणा की गई। बैठक में मौजूद विधायकों को लोकसभा चुनाव जीतने का टास्क सौंपा गया। इसी राजनीति के तहत सभी 14 सीटों पर उनकी जिम्मेदारी तय होगी। झामुमो विधायक दल की बैठक में बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम और बिशुनपुर के विधायक चमरा लिंडा नदारद रहे। लोबिन हेम्ब्रम काफी समय से नाराज चल रहे हैं, जबकि चमरा लिंडा लोहरदगा से टिकट नहीं मिलने से क्षुब्ध बताए जा रहे हैं। लोहरदगा से कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। झामुमो न्याय उलगुलान रैली के साथ ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ पंचायतों में चल रहे न्याय यात्रा का भी समापन भी हो गया। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि इस रैली में गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। उन्हें गांडे विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में झामुमो ने प्रत्याशी घोषित किया है। कल्पना सोरेन लगातार सक्रिय है। उल्लेखनीय है कि झामुमो के विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद गांडे में उपचुनाव हो रहा है। गिरफ्तारी से आक्रोश, ऐतिहासिक रैली होगी चंपई सोरेन। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, झामुमो की न्याय उलगुलान रैली ऐतिहासिक होगी। ऐसी रैली पहले कभी नहीं हुई थी और ना ही आगे होगा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। रैली में पूरे देश से भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जाएगा। यह न्याय के लिए झारखंड का उलगुलान होगा। लोगों का एक एक वोट भाजपा के लिए चोट होगा। हम मजबूती से कर रहे हैं संघर्ष, कल्पना सोरेन। बैठक में कल्पना सोरेन ने कहा कि पार्टी मजबूती से संघर्ष कर रही है। हेमंत सोरेन अभी जेल में है, लोगों की ताकत से वह संघर्ष कर रही है। उन्होंने आह्वान किया कि यही ताकत रैली में भी दिखना चाहिए। जी अभी अंदर हैं, आपकी ताकत से ही वह मजबूती के साथ संघर्ष कर रहे हैं। यही ताकत रैली की चुनाव में भी दिखनी चाहिए। विधायकों पर होगा दारोमदार। बैठक में विधायकों को निर्देश दिया गया कि वह अपने क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करेंगे। मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा गोलबंदी करने को कहा गया है। विधायक गाँव में कैंप करेंगे और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। न्याय उलगुलान रैली में समर्थकों के साथ विधायक जुटेंगे। उन्हें कार्यकर्ताओं को रांची लाने की जवाबदेही मिली है। बैठक में दुमका से गठबंधन के प्रत्याशी व सिकरी पाड़ा के विधायक नीलिंद सोरेन, गिरिडीह से प्रत्याशी व टूटी के विधायक मथुरा महतो समेत अन्य विधायक और सरकार के मंत्री मौजूद थे। बैठक का संचालन झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने किया।